हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंगल कमांड में पढ़ाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल देखिएगा। और स्किप करके देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका एंगल है, ठीक है। आपको एंगल कैसे बनाना है और कैसे हम एंगल बना सकते हैं ऑटोकैड में, तो ये देखिए एंगल हम कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि ये आपका, ये देखिए 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 135 डिग्री। ये मैं कहने क्यों बनाया हूँ, ये देखिए आपका एंगल है, ठीक है। ये चारों दिशाओं का एंगल है। ये आपका 0 डिग्री, आपका इसका अपोजिट हो जाएगा 180 डिग्री, और ऊपर की साइड में जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इस 90 डिग्री के नीचे आएंगे तो 270 हो जाएगा। 180 के इसमें इस साइड जाएंगे तो 360, मतलब यहाँ से ऐसे जाएंगे तो आपका ये 360 हो जाएगा। तो मतलब 45-45 प्लस है, ठीक है। और देखिए, जब भी आप एंगल बनाएंगे तो 0 से 180 के बीच में जब एंगल लेंगे तो आप डायरेक्ट आप एंगल बना सकते हैं, ओके। और बट लेकिन 180 से 270 के बीच में बना रहेगा तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बना नहीं पाएंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, 180 डिग्री से 270 के बीच में हमको बनाना रहेगा, तो आपको माउस को लेफ़्ट साइड में ले जाना रहेगा, ओके। और जो एंगल बनाना है यहाँ से बन सकता है, और हमको 270 और 360 के बीच में हमको एंगल लेना है। तो क्या करेंगे, माउस को राइट साइड ले जाएंगे, एंगल पुट करेंगे तो आपका ये एंगल बन जाएगा। और 0 से 180 के बीच में बनाना रहेगा तो आप डायरेक्ट 90 डिग्री के माउस को ऊपर ले जाएंगे तो आपका ये डायरेक्ट बन जाएगा, ओके। चलिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ड्राइंग आपका एंगल का, इसी से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा एंगल का। ये देखिए आपके 45 डिग्री है पहला, तो हम लाइन कमांड लेंगे, एल इंटर करेंगे, ओके। यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से एक 5 फीट का लाइन लेंगे, ये आपका 5 फीट का, इसको जूम कर रहा हूँ, ये 5 फीट का आपका लाइन है। अब हमको 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये मैं बताया हूँ, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है। तो ये 90 है तो हमको इस साइड बनाना है, तो 45 तो ये 0 से 90 के बीच में आ रहा है 45, तो 45 इधर आ नहीं रहा है, तो हमको क्या करना रहेगा, हमको प्लस माइनस इसमें करना रहेगा। तो देखिए, ये 90 है तो हमको 45 बनाना है, तो 45 प्लस कर दीजिए 90 में, तो जितना आ रहा है उतना आप एंगल बनाएंगे तो आपका 45 डिग्री बन जाएगा। तो हम यहाँ से 90 में 45 प्लस कर देंगे तो आपका 135 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लाइन कमांड लेंगे, एल इंटर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को, जब भी आपको बनाना रहेगा तो 0 से 180 के बीच में माउस को ऊपर की साइड ले जाएंगे, ओके। अब हमको एक लाइन लेना है, जैसे सपोज दैट कोई भी आपको लाइन लेना है जितना भी डिस्टेंस का, जैसे मैं 5 फीट का ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से टैप करना है आपको, याद रखिए एंगल लेने के लिए आपको टैप करना है। टैप करेंगे, ये लॉक हो जाएगा, ओके, ये लॉक हो गया। अब हमको एंगल पुट करना है, हमको 45 मैं बताया हूँ, 90 में 45 प्लस कर देंगे 135 आएगा। तो हम यहाँ से टाइप करेंगे 135 डिग्री, इंटर करेंगे, हो गया। अब देखिए आपका ये एंगल बन गया। अब हमको इसको शो करना है, शो करने के क्या करेंगे, यहाँ पर शो करने के लिए एक कमांड है, यहाँ से टाइप करेंगे DAN, ओके। यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट की बताता हूँ, आप लोग को आसान होगा ड्राइंग बनाने में। यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे और सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे और आउट ऑफ लाइन क्लिक करेंगे, ये देखिए 45 डिग्री आपका एंगल बन जाएगा, ओके, आ गया समझ में। अब देखिए आपका 88 डिग्री है, 88 डिग्री कैसे बनेगा। अब हमको यहाँ से एक लाइन लेना है, एल इंटर करना है, यहाँ पर क्लिक करना है फर्स्ट पॉइंट पर, और यहाँ से सपोज दैट कोई भी एक लाइन बना लीजिए, ठीक है। मैं एक यहाँ से आपको एंगल निकालने के लिए बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। ये 88 डिग्री है तो कैसे बनाएंगे इसको, अब आपको मैं बताया हूँ कि एंगल शो कर कैसे किया जाता है, एंगल को कैसे शो किया जाता है। तो यहाँ से DAN इंटर करेंगे, फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे, ओके। अब ये देखिए 45 डिग्री यहाँ पर भी है, और हमको कितना बनाना है, 88 बनाना है, तो 45 में कितना प्लस करेंगे कि 88 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 में कितना प्लस करेंगे, ये 43 डालेंगे, 43 तो 45 में 43 प्लस करेंगे तो 88 हो जाएगा, ओके। यहाँ से इसको हटाइए, अब हमको 88 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एल इंटर करेंगे, ये देखिए आपका डायरेक्शन किस साइड में है लाइन का, आपका ये ऊपर की साइड है, 0 से और 90 के बीच में है, ठीक है। तो हमको माउस को कहाँ ले जाना है, ऊपर की साइड ले जाना है, तो एल इंटर करिए,
यहाँ पे क्लिक करके ऊपर की साइड 90 डिग्री पे। ओके, अब हमको एक लाइन का डिस्टेंस लेंगे, 5 फीट लिया मैंने, टैप किया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल पुट करेंगे, कितना करना है, 43 डिग्री, इंटर करेंगे, हो गया। अब हमको यहाँ से एंगल शो करना है तो क्या करेंगे, DAN यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे, आउट ऑफ लाइन क्लिक करेंगे, 88 डिग्री का शो हो जाएगा। ओके, अब देखिए 105 डिग्री का बनाना है, 105 डिग्री कैसे बनाएंगे, लाइन कमांड लीजिए, यहाँ पर क्लिक करिए फर्स्ट पे और बाहर यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब हमको 105 बनाना है, इसको निकालेंगे, यहाँ से DAN इंटर करिए, फर्स्ट लाइन पर क्लिक करिए, सेकेंड लाइन पर क्लिक करिए, ये देखिए आपका 47 डिग्री है। आपको कितना बनाना है, 105 बनाना है, तो हमको 47 में कितना प्लस करेंगे कि 105 हो जाएगा, आप 58 प्लस करेंगे 47 में तो आपका ये 105 हो जाएगा। ओके, यहाँ से अब इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम लाइन लेंगे, क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये लाइन किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है आपका, ये नीचे की डायरेक्शन में है आपका, ये 270 है और ये 0 है, मतलब ये 270 है, ये आपका ऐसे जाएंगे तो 360 आएगा, मतलब ऐसे घूमना है ना, ये एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉक वाइज जाएगा तो आपका प्लस में रहेगा, और क्लॉक वाइज रहेगा तो माइनस में रहेगा। तो हम यहाँ से कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज, मतलब ये 270 से 360 मतलब प्लस में है, तो आपका ये 270 है और ये आपका हमको कितना बनाना है, 105 बनाना है, तो हमको कितना प्लस करना पड़ेगा, 58 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये 105 होगा। ओके, तो यहाँ से हम 58, जैसे आपका ये 270 है तो 270 में आप प्लस कर देंगे। ओके, ये आपका ऐसे जा रहा है ना, तो 270 ये है तो 270 में प्लस कर देंगे, जितना आपका आ रहा है 58 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लाइन कमांड लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको, दोबारा यहाँ से शो करा देंगे, ये देखिए 47 है ना, तो इसमें प्लस करेंगे जितना आएगा इसको, और ये आपका एंगल ये 270 है, 270 में जितना आ रहा है उसको प्लस कर दीजिए, आपका एंगल बन गया। अब ये आपका 58 हमको प्लस करना है, तो लाइन कमांड लेंगे 270 में और 58 प्लस कर देंगे, जितना आपका आ जाएगा 328 डिग्री आएगा। ओके, अब देखिए आपको किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ओके, राइट साइड में, तो हमें बताया हूँ 270 और 360 के बीच में बना रहा है, तो माउस को राइट साइड ले जाएंगे और डायमेंशन डिस्टेंस डालेंगे लाइन का, टैप करेंगे। ओके, अब हमको एंगल डालना है, एंगल कितना डालना है, 228 डिग्री। ओके, इंटर कर देंगे, अब यहाँ से एंगल शो करने के लिए DAN इंटर करेंगे, फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे, ये आपका एंगल बन गया, हो गया। अब हमको क्या बनाना है, इस ये 45 डिग्री बनाना है, तो इसको भी यहाँ से निकाल लेते हैं, ऊपर की साइड ले ले रहे हैं और इसको चेक कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे, ये देखिए, अब देखिए ये आपका 58 डिग्री है, तो हमको 45 बनाना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, 58 है, ठीक है, तो आप ये 58 में 45 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, 58 में 45 माइनस कर देंगे 13 आएगा, ठीक है। तो आपका ये बताया हूँ मैं, ये 90 डिग्री है, तो 90 में 13 जो आ रहा है उसको प्लस करेंगे। ओके, इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 103 आएगा, तो लाइन कमांड लीजिए, एल इंटर करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, ड्रैग ऊपर की साइड में जाइए 90 डिग्री, यहाँ पे डिस्टेंस डालिए लाइन का, टाइप करिए, यहाँ से टाइप कर दीजिए एंगल 103, इंटर कर दीजिए। अब हमको DAN इंटर करना है, फर्स्ट लाइन पर, सेकेंड लाइन पर क्लिक करना है, आउट ऑफ लाइन करना है, हो गया 45 डिग्री, आगे समझ में। अब क्या बनाना है हमको, 103 डिग्री का बनाना है, ये तो डायरेक्ट आपका ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिस्टेंस लेंगे 5 फीट, इंटर करेंगे, ये आपका यहाँ से डायमेंशन, यहाँ से एंगल शो कर लेंगे, ये देखिए आ गया 103। अब 120 बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये तो आपका दिमाग बताया हूँ, ये 0 से 180 के बीच में बनाना रहेगा, तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं एंगल, क्योंकि ये आपका 120 से प्लस माइनस करना नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप बना सकते हैं, क्लिक करेंगे ऊपर की साइड 90 डिग्री के डिस्टेंस पे ऊपर जाएंगे, यहाँ से टाइप कर देंगे लाइन डिस्टेंस, पहले टाइप करेंगे, ओके 5 फीट, टाइप करेंगे, एंगल पुट करेंगे 120 डिग्री, इंटर करेंगे,
यहाँ से डिस्ट एंगल का एंगल शो करेंगे, ये देखिए 120 डिग्री है। अब हमको बनाना है 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे बनाएंगे? 60 डिग्री बनाने के लिए आप यहाँ से पहले निकाल लीजिए, ओके, यहाँ से DAN क्लिक करिए, इसको क्लिक करिए, ये 30 है। हमको कितना करना है अभी, कितना जोड़ना है? 30 और जोड़ना है तब 60 हो जाएगा। तो ये देखिए, आपको पहले ये एंगल देखना पड़ेगा किस आप किस डायरेक्शन में आपका लाइन है। तो हमारा ये डायरेक्शन है नीचे की साइड में, तो मतलब ये 270 के और ये आपका 180 और 270 के बीच का है लाइन। तो हम क्या करेंगे, 270 में हम यहाँ से कर देंगे, आपका हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ से आपका ये 30 है तो ये 270 है, तो मतलब आप ये आपका ये आधा है बना हुआ है, आधा आपको और बनाना, मतलब 30 और बनाना है, तो 30 आप माइनस कर देंगे, ये 270 है ही, तो 270 में 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। तो यहाँ से एल एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे। अब हमको देखिए बनाने, नीचे की साइड में बनाना है, तो आपको लेफ्ट साइड में माउस को ले जाना है, ये याद रखिएगा, और डिस्टेंस डालिए आप, टैप करिए, अब एंगल डालिए, एंगल हमको कितना लेना है, 240, 240 एंटर करिए। अब हमको एंगल को शो करना है, DAN एंटर करना है, फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे क्लिक करना है, आउट ऑफ लाइन 60 डिग्री आ गया आपका एंगल, ठीक है। इस तरह आप आसानी से एंगल ड्रॉ कर सकते हैं ऑटो कैड में। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप देख सकते हैं, दो तीन बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ओके। आशा करता हूँ आपको आ गया होगा अच्छा से। तो ये देखिए, आपको मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपको देखिए, आप जब भी एंगल बनाइएगा तो आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप किस डायरेक्शन में बना रहे हैं और प्लस माइनस कैसे करना है हमको। देखिए जब भी आप यहाँ से क्लॉक वाइज, मतलब ये क्लॉक वाइज चलेंगे, ओके, ये आपका ये क्लॉक वाइज चलेंगे तो आप यहाँ से माइनस करेंगे, ओके। अब हम एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो हम प्लस में करेंगे, ये याद रखिएगा। जैसे हमको जिस एंगल में बनाना है, तो जैसे हम यहाँ से ये है, ये आपको मैं 160 डिग्री बनाना है, तो ये 60 डिग्री कैसे बनाए, ये 60 डिग्री आपका लाइन ऐसे है तो इस साइड जा रहा है ना, मैं बताया था यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री और 30 डिग्री और प्लस कर देंगे 60 डिग्री हो जाएगा, तो आपका लाइन इधर जा रहा है ना, तो मतलब 270 है और हमारा ये इधर जा रहा है, तो मतलब क्लॉक वाइज में जा रहा है, तो माइनस होगा, 270 में 30 माइनस करेंगे तब ना बनेगा आपका। इसी तरह आप यहाँ से एंगल बना सकते हैं, प्लस माइनस का आप यहाँ ध्यान रखिए, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आपको बनाना है, 100 यहाँ से 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बना रहे हो तो माउस को ऊपर की साइड लेके जाएंगे, ओके, और यहाँ से 180 और 270 के बीच में बनाना रहेगा तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, और हमको 270 और 360 के बीच में बनाना रहेगा तो राइट साइड में माउस को ले जाएंगे, एंगल पुट करेंगे, एंगल आपका बन जाएगा, ओके। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लाता रहता हूँ, ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।